आपने पहले पंजाबी वीडियोस भी की हैं, तो वीडियोस में और जो एक मूवी होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है, तो ये आप पूरी तैयारी थी आपकी कि हाँ मैं आप मूवीज़ के लिए रेडी हूँ? एक्चुअली मैंने जो वीडियोस करनी स्टार्ट करी थी वो इसलिए करनी थी क्योंकि मुझे लगा एक स्टेपिंग स्टोन होगा मूवीज़ तक जाने के लिए, एक आपको कैमरा फेस करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है, जबकि वैसे मैं मिस इंडिया रही हूँ तो मेरे को उतना मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक टेक्निक पता चल जाती है कैमरा कैसे फेस करना है एंड स्टफ लाइक दैट, एंड मतलब मेरे लिए आई डोंट थिंक कि वो इतना ज़्यादा वो मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि वो करना है, जस्ट दैट मूवीज़ और वीडियोज़ में फ़र्क होता है, इसमें एक्टिंग करनी है, कैरेक्टर में 30 दिन तक रहना है और वीडियोज़ में 1-2 दिन करना है ख़त्म, ठीक है, कैरेक्टर भी कुछ ऐसा मेजर नहीं है, तो एक कैरेक्टर को 30 दिन 35 दिन अपने को होल्ड करके रखना, रोज़ सेम कैरेक्टर में रहना इज़ डिफ़िकल्ट, बट आई एम होपिंग कि अच्छा क्या आप लोगों को पसंद आएगा। आपने एमी विर्क के साथ भी वीडियो की है, तो बड़े बड़े सिंगर्स के सामने पहले ही काम करना स्टार्ट कर दिया था और अब देव करोड़ के साथ, तो कितना का वो था कि हाँ यार बड़े बड़े स्टार्स मेरे को मिल रहे हैं, तो लाइफ थोड़ी चेंज लगी आपको अपनी कि पहले से ज़्यादा रिकॉग्निशन? डेफिनेटली आई थिंक मेरा जो गाना था हद चुम में उसके बाद मेरी फॉलोइंग फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, और फिर डेफिनेटली जब हमारी मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो उसके बाद और ज़्यादा लोग यू नो फॉलो करने लग गए, एंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी एंड यू नो आई फेल्ट, मेरे को हमेशा लगता है कि मैं लकी रही हूँ कि मुझे इतनी जल्दी 1 साल के अंदर एमी के साथ गाना करने को मिला, वो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट स्टार्स, और अब मूवी करने को मिली देव के साथ, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स, तो आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबको मेरे अंदर वो टैलेंट वो क्वालिटी लगती है तभी मैं काम कर पा रही हूँ। और आप दिल्ली से हैं, आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली, तो दिल्ली और पंजाब ज़्यादा दूर नहीं है, तो मतलब कुछ भी आपको कल्चर में थोड़ा सा फिर भी फ़र्क लगा कि पंजाब के लोग या दिल्ली के लोग, क्योंकि दिल्ली के ना बहुत मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल लोग हैं, तो क्या आपके अंदर भी है वो प्रैक्टिकल थोड़ा सा कि अप्रोच? नहीं, डेफिनेटली दिल्ली में और यहाँ में फ़र्क है, जबकि वहाँ भी पंजाबी लोग बहुत रहते हैं दिल्ली में, लेकिन वो एक मॉडर्न तरीके से मॉडर्न कल्चर में पले बढ़े हैं, यहाँ पे ये सब बहुत रूटेड और यू नो अलग कल्चर में पले बढ़े हैं, तो दिल्ली से कोई भी यहाँ आता है वो हम लोगों की आदतें या हम लोगों का बिहेवियर देखते हैं तो उन्हें लगता है ये तो बहुत अजीब है ना, सब यहाँ मेरे को ऐसा फील होता है कि मुझे कोई बात करते हुए देखता है या मुझे कोई यू नो कुछ करते हुए देखता है तो वो सोचते हैं कि अरे ये बड़ी अजीब लड़की है, लेकिन डेफिनेटली कल्चर में फ़र्क है, आपको हर जगह जाके वहाँ से अडेप्ट करना पड़ता है, तो अब यहाँ आके थोड़ी बात करने में और हर चीज़ में मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, बट आई डोंट लूज माई। एक फिल्म मैंने इसके बाद और करी है हाई एंड आरियां जो अगले महीने रिलीज़ हो रही है 22 फरवरी को, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे यू नो अप्रोच कर रहे हैं लोग, बट आई सी जो सबसे बेस्ट मुझे लगेगा, आई वांट टू डू क्वालिटी वर्क, क्योंकि उसी में करने का फ़ायदा, क्योंकि भीड़ में जाने का कोई मतलब नहीं, भीड़ चाल में मैं नहीं जाना चाहती, जो सब कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना, फिर मेरा USP क्या रहेगा अगर सब मैं भी वही करूँगी जो सब कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग विच इज़ डिफरेंट एंड जिससे लोग मुझे कहे कि यू नो शी हैज़ समथिंग इन। और काका जी के लिए क्या अप्रोच करना चाहेंगे आप, ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे कि काका जी को? मैं ऑडियंस को ये कहूँगी हमने बहुत मेहनत करी है, मेरी डेब्यू फिल्म है, आप देव को इतना प्यार करते हैं, मैं श्योर आई एम वेरी 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 श्योर कि आप मुझे भी उतना ही प्यार शो करेंगे, हमारी फिल्म को उससे डबल ट्रिपल प्यार शो करेंगे, और ऐसी मूवी है जिसमें ड्रामा कॉमेडी रोमांस एक्शन सब कुछ है, इट्स अ पैकेज ऑफ एवरीथिंग, तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ जाके देखिए, 3-4-5 बार जाके देखिए, एंड प्लीज़ मेक इट अ बिग हिट एंड अ बिग सक्सेस। 18th January, Kaka ji. Thank you. Press the bell icon and never miss an update from Sing Online. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ।